मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, और टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में जो तीन सेक्शन है, रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अभी तक मैंने आपको रिकॉर्ड पढ़ा दिया था, ट्रांजैक्शन पढ़ा दिया था, अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग मेनली तीन चीज़ पढ़ेंगे, पहला इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग बैलेंस शीट पढ़ेंगे, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रिकॉर्ड में ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं, ट्रांजैक्शन में ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं, और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इनकम स्टेटमेंट। व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट, क्या होता है समझिए। वंस ऑल द कंपनीज ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एन अकाउंटिंग पीरियड हैव बीन कंप्लीटेड, द अकाउंटेंट कंसोलिडेट सम्मिलित, मतलब कि कंसोलिडेट मतलब होता है सम्मिलित करना, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द अकाउंट्स एंड सॉर्ट्स इनटू थ्री डॉक्यूमेंट्स दैट आर कलेक्टिवली कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि एक बार जब एक लेखा अवधि से, लेखा अवधि समझते हैं ना, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, जैसे हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर है उसी को बोलते हैं लेखा अवधि। एक बार जब एक लेखा अवधि से संबंधित कंपनी के सभी लेन देन पूरे हो जाते हैं, यानी पूरा का पूरा ओवर हो जाता है, तो लेखाकार खातों में संग्रहित जानकारी को समेकित करता है और इसे 3 दस्तावेजों में क्रमबद्ध करता है, जिन्हें सामूहिक रूप से वित्तीय विवरण कहा जाता है। यानी ऑल ओवर पूरे ट्रांजैक्शन को 3 पार्ट में बांटकर सारे रिपोर्ट को प्रदर्शित किया जाता है। अब आइए, इसमें सबसे पहला है इनकम स्टेटमेंट यानी आय विवरण। आय विवरण क्या होता है समझिए। इनकम स्टेटमेंट के बारे में बोल रहा है, दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज रेवेन्यूज एंड डिडक्ट्स ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड। इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ ए कंपनीज टू एक्सपेंड इट्स कस्टमर बेस एंड ऑपरेट इफिशियंसली। इसको अच्छे से समझिए। ये जो इनकम स्टेटमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो किसी भी कंपनी का रिपोर्ट तैयार करता है रेवेन्यू का, किस कंपनी का रेवेन्यू कितना है, इसका एक्सपेंस कितना है और इसका नेट प्रॉफिट कितना है। यानी किसी भी कंपनी में जो रिपोर्ट बनता है वो सबसे पहले ये देखा जाता है कि रेवेन्यू, यानी आपने जो प्रोडक्ट सेल करा है, चाहे गुड्स हो या फिर सर्विस हो, उससे आपने रेवेन्यू कितना जनरेट किया, आपका उसमें एक्सपेंस कितना है, और एक्सपेंस को घटाने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट बच रहा है वो कितना है, और इसी से डिसाइड होता है कि हमारा कंपनी आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है, यानी कि ग्रो कर रहा है या डाउन पे जा रहा है। तो इनकम स्टेटमेंट का मेन पर्पस यही होता है, कंपनी का रिपोर्ट निकालना पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का, कि हमारे कंपनी में कितना रेवेन्यू आया, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ और कितना नेट प्रॉफिट हुआ। ये हुआ आपका इनकम स्टेटमेंट। करा, इस दस्तावेज में कंपनी के राजस्व के बारे में जानकारी है और रिपोर्टिंग अवधि के लिए, रिपोर्टिंग अवधि मतलब वही फाइनेंशियल ईयर का जो रिपोर्टिंग अवधि है, के लिए शुद्ध लाभ या हानि का निर्धारण करने के लिए किए गए सभी खर्चों में कटौती करता है, या किसी कंपनी की अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने और कुशलता से संचालन करने की क्षमता को मापता है। अब देखिए, अब क्षमता को मापता है, जैसे मान लीजिए आपको कैसे पता चलेगा कि हम अपने कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, तो सबसे पहले जब आप निकालोगे, इसका रिपोर्ट बनाओगे, तो आपको पता चलेगा कि मैंने पिछले साल की अपेक्षा इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। मतलब प्रॉफिट कब होगा, जब हम अपने कस्टमर को अच्छा सर्विस देंगे। तो इससे हमारा जो है अपने बिजनेस का विस्तार नज़र आता है और हम अपने कस्टमर का ख्याल रख पाते हैं, और अपने कंपनी के बारे में भी मुझे पता चलता है कि मेरा कंपनी आगे बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है। तो ये हर कंपनी अपने जब वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर का जब उसका क्लोज अकाउंट क्लोज होता है, तो वो रिपोर्ट देखता है कि भैया मुझे पिछले साल की अपेक्षा, हो सकता है किसी किसी साल, किसी किसी फाइनेंशियल ईयर में हमारा रेवेन्यू कम जनरेट हो, वहाँ पे हमें
प्रॉफिट के जगह पे लॉस भी हो सकता है। तो लॉस होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं हम कंपनी में अपने कस्टमर को सर्विस देने में कहीं ना कहीं कुछ कमी किए हैं, तो इससे कंपनी जो है अपने कमी पे काम करता है और इससे भी आगे बढ़ने का एक उसके पास रास्ता होता है। कुल मिलाकर के इनकम स्टेटमेंट का एक ही उद्देश्य है कि हमारे कंपनी में जो इनकम हुआ है वो नेट प्रॉफिट या नेट इनकम कितना है उसको निकालना। उसके लिए रेवेन्यू की का भी होना जरूरी है, एक्सपेंस का भी होना जरूरी है और नेट प्रॉफिट का भी होना जरूरी है। तो इनकम स्टेटमेंट जब टैली में देखेंगे तो आपको एक तरफ आपका रेवेन्यू दिखाएगा, फिर दूसरा तरफ एक्सपेंस दिखाएगा और लास्ट में उसमें से रेवेन्यू में से एक्सपेंस को घटाने के बाद नेट प्रॉफिट दिखाएगा।